इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मोर्टिस और टेनन जोड़ कैसे बनाया जाता है। टेनन जीभ या आगे निकला हुआ हिस्सा होता है जिसके शोल्डर इसे रोक कर रखते हैं जब इसे एक समरूपी खांचे में जोड़ा जाता है जो मोर्टिस के नाम से जाना जाता है। इस जोड़ का सबसे सामान्य प्रकार है आसान या बंद मोर्टिस और टेनन, जिसमें टेनन को दूसरी ओर तक पहुँचने से थोड़ा पहले रोका जाता है। जिन उपकरणों की आपको आवश्यकता होगी वे यह मार्किंग या मोर्टिस गेज, गुनिया, फुटा, मोर्टिस चौरसी मार्किंग नाइफ, बड़ी चौरसी, मैलेट, पेंसिल, रैचेट ब्रेस, टेनन आरी, कोपिंग आरी, डेथ गेज और शिकंजा। मटेरियल में आपको दो लकड़ियों की आवश्यकता होगी। चरण पहला, टेनन के निशान लगाना। टेनन की लकड़ी को मोर्टिस की लकड़ी के ऊपर उस जगह रखें जहां पर आप उन्हें जोड़ना चाहते हैं। यहां पर प्रयोग की गई एक जैसी दोनों लकड़ियों की चौड़ाई 2 इंच है। इसके साथ 1 इंच का टेनन बनाया जाएगा। मार्किंग गेज को शिकंजे में कसे और इसे 1 इंच की मोटाई पर सेट करें। टेनन की लकड़ी को शिकंजे में कसे और मार्किंग गेज का प्रयोग करते हुए एक और शोल्डर लाइन का निशान लगाएं। पेंसिल की सहायता से निशान गहरा करें। बची हुई सतहों पर शोल्डर के निशान लेकर जाएं। टेनन की लंबाई को एडहेसिव लगाने के लिए पर्याप्त सतह देनी चाहिए। अब मार्किंग गेज को शिकंजे में कसे और इसे 1 सेंटीमीटर पर सेट करें। टेनन की लकड़ी को शिकंजे में कसे और सिरे पर टेनन के चीक के निशान लगाएं। लंबाई के साथ दोनों सिरों पर 1 सेंटीमीटर का निशान लगाएं। मोर्टिस गेज को शिकंजे में कसे और मोर्टिस चौरसी की चौड़ाई के बराबर इसके कांटों को सेट करें। टेनन की लकड़ी को शिकंजे में दोबारा कसे और देखें कि कांटे सिरे की चौड़ाई के सेंटर में है या नहीं। अब सिरे पर टेनन की चौड़ाई का निशान लगाएं। पेंसिल की सहायता से निशान गहरा करें। मोर्टिस की चौड़ाई के निशानों को शोल्डर लाइन तक ले जाएं। नियम के अनुसार टेनन लकड़ी की चौड़ाई का आधा या 1/3 होना चाहिए। आप इसे ज्यादा चौड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन इतना चौड़ा नहीं कि मोर्टिस की दीवारें कमजोर हो जाए। चरण दूसरा, टेनन काटना। लकड़ी को शिकंजे में आड़ा कसे और चौड़े हिस्से पर शोल्डर लाइन को आरी से वहां तक काटे जहां यह चीक से मिलती है। लकड़ी को उल्टा करें और दूसरी ओर भी इस प्रकार से दोहराएं। सिरे को ऊपर की ओर रखते हुए लकड़ी को शिकंजे में कसे और चीक के निशानों के साथ साथ आरी से तब तक काटे जब तक बेकार लकड़ी अलग न हो जाए। फिनिशिंग के लिए कुछ लकड़ी छोड़ दे। जैसा कि दिखाया गया है, लकड़ी को शिकंजे में कसे और काटी हुई सतहों को चिकना और एक समान बनाने के लिए बेवल एज चौरसी का प्रयोग करें। आप आड़ा काटने की पद्धति का भी प्रयोग कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि चीक और शोल्डर एक समान और चिकने हैं। टेनन के 2 सिरों के साथ बचे हुए 2 सिरों के लिए दोबारा निशान लगाएं। लकड़ी को शिकंजे में कसे और छोटी साइड के चीक और शोल्डर काटना शुरू करें। बारीकी से काटने के लिए हमने यहाँ पर कोपिंग आरी का प्रयोग किया है। सतहों को साफ करने के लिए चौरसी का प्रयोग करें। आगे की प्रक्रिया जानने के लिए मोर्टिस और टेनन जोड़ कैसे बनाएं भाग 2 देखें।